सो आज की जो ये वीडियो वो मेनली फोकस रहेगी tyremarket.com के ऊपर, और यहाँ पे मैंने खुद अपनी निराली AKA त्यागो के लिए भी यहाँ से जो है टायर्स मंगवाए हुए हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। सो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है फाइनली मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी साल मेरे को लग गए हैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने के लिए, तकरीबन एक साल मेरे को लग गया है। सो अगर आपने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन और DIY मॉडिफिकेशन की स्पेशली वीडियोज़ आती रहती हैं और सर्विस वगैरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। सो अगर आपको इस टाइप का कोई भी कार रिलेटेड स्टफ़ जो है आपको पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जो चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सो ये जो मेरी टाटा टियागो है इसका जो है एक टायर फट चुका था, और इसके पीछे जो है एक बैक स्टोरी है काफ़ी लंबी चौड़ी, जिसकी वजह से ये जो मेरी गलती की वजह से फटा है। सो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, अगर वह आपको स्टोरी पहले सुननी तो यहाँ पे टाइमिंग आ रही है, तो पहले मैं tyremarket.com के ऊपर बात कर लेता हूँ। सो tyremarket.com जो है सिंपली एक साइट है, Amazon या Flipkart की तरह या कोई भी ई कॉमर्स साइट है की तरह ये ही काम करती है, पर ये जो है टायर्स बेचती है, और ये टायर्स जो हैं ब्रांडेड टायर्स होते हैं, और ये बिल्कुल ट्रस्टेड एक साइट है। मैंने भी तभी इससे जो है टायर्स मंगवाए हैं, और यहाँ पे जो है मेरे को सारे टायर्स जो है सही सलामत पहुँच गए हैं और सही ब्रांड के पहुँचे हैं, और जो मेरे को मैंने जो सीरीज़ ऑर्डर की थी वही सीरीज़ जो है मेरे को टायर्स की पहुँची हैं। सो ये जो है मैंने टायर्स मंगवाए हैं गुडियर के TMX 2, और ये जो है मेरे को सस्ते पड़े हैं एज कंपेयर करूँ अगर मैं शॉप पे जाने से, सो सस्ते पड़े हैं ये टायर्स। और मैं आपको पहले बता दूं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये खुद मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे जो है आपके थोड़े से पैसे बच जाएं, क्योंकि पैसा हर एक को अच्छा लगता है और पैसा आपको बचाना भी चाहिए। सो tyremarket.com पे जो है आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, जैसे कि ये मेरे टायर्स जो थे वो लोकल जो शॉप में है वो मेरे को 17,000 के पड़े थे, चार टायर्स मतलब एक सेट पूरा, और यहाँ पे जो है मेरे को साइट पे ये जो है 1400 लेस मतलब 15,600 रुपीज़ के पड़े हैं। सो यहाँ पे जो है 1400 रुपये मैंने डायरेक्टली सेव कर लिया है। सो अगर आप भी अगर अपने टायर्स जो चेंज करने का सोच रहे हैं, सो आप जो है tyremarket.com से जो है बेशक ऑर्डर कर सकते हैं, या इनकी जो है एक और फैसिलिटी है कि आप जो है इनका फिज़िकली जो है जो स्टोर है उसको विज़िट करके वहाँ से टायर फिट भी करवा सकते हैं, पर आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, जो आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज होती है, मतलब हर एक कंपनी का जो है टायर आपको मिल जाएगा, और आपको जो है कार का मॉडल डालना है, अगर आपको टायर की जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन सा साइज़ होता है क्या नहीं होता है, सो आपको जो अपनी कार का जो है नेम और मॉडल डालना है, और उसका जो है टायर ऑटोमेटिकली ये जो है सेपरेट करके आपको दे देगा। सो ये जो काफ़ी ट्रस्टेड साइड है, और इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिए अगर आप भी टायर जो है नए लेना चाह रहे हैं, सो आपको जहाँ से सस्ता पड़े वहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ ही में इसकी जो है मैं आपको कस्टमर सपोर्ट बता दूँ, सो ये जो है मैंने ऑर्डर किए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, और लॉकडाउन में जो है मेरे टायर जो फंस गए थे ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप हो चुकी थी। सो इनकी जो है मैंने कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन किया 2-3 बार, और इन्होंने जो है मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझाया कि आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन में फंस गए हैं टायर, फिर भी मेरे को 20 दिन डिले हुआ, और 10 दिन के बाद जो है मेरे को मतलब जब ऑर्डर कर दिया था मैंने, इनका एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 1 वीक था, पर मेरे को जो है 10 दिन हो चुके थे, और मैंने इनको कॉल किया कि मेरे को कहीं और से अरेंज करवा दो। सो इन्होंने जो है मेरे जो है लोकल शॉप से ही अरेंज करवा के मेरे को दिए थे टायर्स। सो इनकी जो है कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और साथ ही अगर आपके पास कोई रॉन्ग आइटम पहुंच जाती है सो इनके पास जो है रिटर्न पॉलिसी भी है, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो ये तो tyremarket.com की बात होगी, और अब जो है मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। ये जो है टाटा टियागो जो है मैंने इसमें जो है ये मेरा बेस वेरियंट था, और इसमें जो अलॉयज जो मैंने अपग्रेड किए थे, साथ ही में मैंने जो अलॉयज अपग्रेड किए थे 13-14, तो इसकी वजह से मेरे को टायर्स भी चेंज करने पड़े, और टायर्स जो हैं मैंने सेकंड हैंड ही ले लिए थे, तब ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और सेकंड हैंड लेने के साथ साथ उन्होंने जो है मेरे को आइस टायर्स पकड़ा दिए थे। ये जो बेसिकली आइस टायर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से जो है चीप में इंडिया में आ जाते हैं, और ये फिर हमें जो है बेच देते हैं महंगे में। सो मेरी गलती से सीखने वाली बात ये है कि आपको कभी भी सेकंड हैंड टायर्स नहीं लेने हैं, साथ ही साथ
कभी भी जो है आपको आइस टायर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप इंडिया में रहते हो, क्योंकि आइस टायर जो है वो उसका जो है रबड़ जो है रबड़ कंपाउंड जो है वो हार्ड होता है, क्योंकि वो बर्फ़ के लिए बना होता है और जो वो हीट को जो है अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता है। सो इसी वजह से जो है ये हीट को हैंडल नहीं कर पाया और मैं हाईवे पर जा रहा था, सो हमने जो है इसके फटने से पहले जो है इसको चेंज कर लिया था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप की जो है कार रिलेटेड वीडियोस, ऑनेस्ट वीडियोस स्पेशली देखने के लिए, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमें 2000 सब्सक्राइबर अचीव करने हैं। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।